हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन के अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ के। तो ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आने वाला एक चैप्टर है, अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ रीजनिंग का एक चैप्टर है, जिसका मैंने एक पार्ट वन वीडियो बनाई है, जिसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और ये नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें मैं मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो नहीं करूँगी, सिर्फ आपको इनका पैटर्न दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन अल्फा न्यूमरिक सीरीज़ में पूछे जाते हैं। तो इसमें नंबर सीरीज़ हैं, जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5 पेयर हैं, 3-3 नंबर्स के, और सभी के 5-5 क्वेश्चंस हैं। वी कैन सी इन द नेक्स्ट पेज, 3rd, 4th, 5th एंड 2nd है 6 to 10 वाला, ये इसमें 4-4 नंबर्स के 5 पेयर हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में असेंडिंग, किसी में परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, किसी में इंटरचेंज करना है, किसी में हाईएस्ट नंबर बताना है सबट्रैक्ट करके, किसी में प्लस माइनस दोनों करके अरेंज करना है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें सेकेंड लोवेस्ट बताना है। ये सभी इसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ के। और ये 11 to 15 वाले क्वेश्चन में अलग अलग नंबर दिए हैं, सिंगल नंबर्स हैं इसमें, उसमें बताना है कि हाउ मैनी सिक्स, कितने सिक्स हैं इसमें। थर्ड वाले में, सेकेंड वाले में बताना है कितने थ्रीज़ हैं, जिनके आगे प्रीसीडेड बाय इट्स मल्टीप्लाई एंड इमिडिएटली फॉलोड बाय इट्स मल्टीप्लाई ऑल्सो, ठीक है ना। एंड 13 and 14, 15 ये भी सी के ही हैं। 16 to 20 क्वेश्चन हैं, उसमें भी सिंगल सीरीज वाले, सिंगल नंबर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 21 से 25, इसमें नंबर्स हैं और सिंबल्स हैं। यू कैन सी 25 तक के, और 26 से 30 तक के जो क्वेश्चन है उसमें नंबर्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं, ठीक है ना। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें 26 में बताना कितने टूज हैं, टू हैं इसमें, जिसके परफेक्ट स्क्वायर हैं उसके आगे फॉलोड, ठीक है ना। 27 में 5th पे बताना है राइट ऑफ 18, ठीक है ना। 28 में, ये सब में अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। 29, 30 and 31 से 35 तक ये अलग नंबर हैं, इसमें पेयर्स दिए हुए हैं, 3-3 नंबर के पेयर्स बने हुए हैं, 5 पेयर्स हैं, ठीक है ना। आगे हैं 36 से 40, 5 पेयर हैं, 3-3 नंबर्स के सेम, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है ना। 41 to 45 इसमें अल्फ़ाबेट्स वाले हैं, अल्फ़ाबेट्स के 4-4 अल्फ़ाबेट्स के 5 पेयर हैं, उसमें बताना है कि अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कितने वॉवल्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग कंडीशंस हैं, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिखा रही हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और साथ में इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। अब आते हैं हमारे डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें हमारे जो क्वेश्चन हैं कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के होंगे, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट ही होंगे मोस्टली, जिसको हम ट्रिक्स से हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें हमें ये एक टेबल दी हुई है, ठीक है ना, इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं हमारे, ALX BC, ठीक है ना, ये सब। और इसमें हमारे ये सिंबल्स दिए हुए हैं, ए परसेंटेज है, एल का ये है डॉट वाला, अलास्ट वाला था तो परसेंटेज, और ये तो ये बी हमारा हो जाएगा आंसर। एंड सेकेंड वाले में भी हमें ऐसे ही सिंबल्स देखने हैं कि इसका क्या सिंबल बनेगा, इस वाले का क्या बनेगा। आगे नेक्स्ट 4, 5, ठीक है ना, ये सब सिंबल्स वाले हैं। इसमें भी एक टेबल दी हुई है,
जिसमें लेटर्स और सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ डिजिट्स भी हैं लेटर के जो कंडीशन दी हुई है, और उसमें हमारे जो क्वेश्चन हैं 6 to 10 तक के वो दिए हुए हैं। बहुत वैसे तो ये इजी लेवल के मानूंगी मैं, ज़्यादा टफ नहीं है, पर ये इसमें बुक में दिया हुआ है कि ये डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन में माने जाने जाते हैं, बट बहुत इजी हैं। 11 to 15 है। ठीक है ना, 16 to 20। ठीक है, आगे हैं इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके बाद में ये 16 क्वेश्चन हैं, फिर 17 हैं, आगे 18, 19, 20, उसके बाद में 21 to 24 आगे स्टेप्स हैं, फिर ये है 21 से 24 तक के। देन 25 to 29 स्टेप्स, एंड देन 25 नंबर इज़ ये कितनी रॉज हैं इसमें, कितने कॉलम्स हैं, ये सब। तो अभी ये डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं, 28, 29, उसके बाद में 30 to 33 तक के, जिसमें 3-4 क्वेश्चन हैं। आगे इसमें स्टेप्स देने के बाद में आ रहा है कि 30 वाले में फाइंड द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 रोज, तो बताना है इसमें। ठीक है ना, ये सब आप देख सकते हैं, 31, 32, 33, 34 से 38 तक के स्टेप्स हैं। उसके बाद में क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड द सम ऑफ 2 रोज, रिजल्टेंट्स बताने हैं, डिफरेंट बिटवीन बताना है, डिफरेंस बताना है, मल्टीप्लिकेशन बताना है, ठीक है ना, सम बताना है। उसके बाद में 30 से 40 तक 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें हमारे ये नंबर्स भी, अल्फ़ाबेट्स भी, सिंबल्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है ना, अब आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, जो कि हमारे मोस्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है ना, जो कि अल्फा न्यूमरिक चैप्टर में से एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड, तो ये ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मिक्स वाले, अल्फ़ाबेट्स वाले, नंबर्स वाले और सिंबल्स वाले, मोस्टली यही वाले क्वेश्चन आते हैं, टेबल्स वाले कम आते हैं। 6 to 10 ये भी सेम यही वाला है। 11 to 15 उसके बाद में है 16 to 20 21 से 25 तक के, 24, 25 उसके बाद में 26 से 30, मतलब ये 5-5 क्वेश्चंस के पेयर्स हैं, ज़्यादातर इसमें यही हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिंबल्स वाले मिक्सचर के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं प्रीवियस ईयर में भी। ये इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है ना, जिसमें ट्रायंगल वगैरह में इसमें ये दे रखा है, तो ये वाले थोड़े कम आते हैं क्वेश्चन, बट मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यही है, यहीं तक हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह के अल्फा न्यूमरिक सीरीज़ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट के भी, डिफ़िकल्ट के भी और प्रीवियस ईयर के भी। और आपको इस चैप्टर के अगर बेसिक्स जानने हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए अल्फा न्यूमरिक सीरीज़ की, जिसकी मैंने आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाके चेक कर लीजिए, जहाँ पे मैंने उसके पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, क्या क्या हमें इसमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या ट्रिक्स होनी चाहिए। और इन्हीं तरह की वीडियोज़ के लिए, जो कि मैं एक रीजनिंग की बुक के चैप्टर को, हर चैप्टर को कवर करूँगी आपके साथ, डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, वो किसी भी टाइम होती है, बट मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं उसके साथ मैं आपको इस वीडियो, दो वीडियो में आपको पूरा चैप्टर और उसके क्वेश्चंस शेयर कर दूँगी। तो आप मेरे साथ बनी रहिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले उसकी अपडेट मिले, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।